नमस्कार साथियों, कोरोना के पहले और कोरोना के बाद चाहे हमारा व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जीवन शैली हो, जीवन का कोई भी आयाम हो, इन दो भागों में बांट दिया है इस कोरोना ने। व्यापार की हम अभी तक बात कर रहे हैं और वेयर हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसे हमने आने वाले समय में व्यापार में वेयर हाउस का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से वेयर हाउस का जो व्यापार है वो पूरे व्यापार को चेंज कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हिरानी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल यस आई कैन में। हमने हमारे पिछले दो वीडियोस में ये बात की थी कि लॉजिस्टिक वेयर हाउस में आने वाले समय में किस तरीके से आप अपना व्यापार कर सकते हैं, किस तरीके का लॉजिस्टिक वेयर हाउस आपको बनाना चाहिए, उसके बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कंपनियां किस तरीके से लॉजिस्टिक वेयर हाउस का चयन करती हैं, कितने प्रकार के लॉजिस्टिक वेयर हाउसेस होते हैं, इन सब के बारे में सिलसिलेवार हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। एक बात और मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं आपसे लॉजिस्टिक पार्क की भी बात करूंगा, जिसमें देश की कई बड़ी कंपनियां लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं, जैसे वेल्सपन और इंडो स्पेस। ये कंपनियां लॉजिस्टिक पार्क बनाने में आपको मदद करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, उसके एवज में आपसे पैसा लेती हैं। इसकी चर्चा हम आने वाले समय में करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने रूरल गोडाउन स्कीम में आप नहीं जा पाए और आपके पास जमीन है या आपके पास फंड है, दो बातें होती है, या तो आपके पास फंड की कमी होती है या आपके पास जमीन नहीं होती। अगर आपके पास फंड है तो आप जमीन लीज पे ले सकते हैं, और अगर आपके पास जमीन है तो आप बैंक से लोन लेकर के वेयर हाउस, लॉजिस्टिक वेयर हाउस के निर्माण में आप जा सकते हैं। आखिर हम शुरुआत कहां से करें, क्या प्रिपरेशन जरूरी है हमको लॉजिस्टिक वेयर हाउस के लिए कंपनियों से बात करने के लिए? आप जिस शहर में रहते हैं वो अगर बी क्लास या सी क्लास का सिटी है, तो अगर सी क्लास का है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आज कंपनी ने निर्णय लिया है वेयर हाउस एस्टेब्लिश करने का। लेकिन अगर बी क्लास सिटीज है, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, ग्वालियर, इन सिटीज में कंपनियां आ चुकी है और इसके बाद उनकी अगली स्टेप सी सिटीज में जाने की है, और कई जगहों पर वो जा चुकी है। सवाल यह है कि अगर आपके पास जमीन है और आप वेयर हाउस के निर्माण के लिए आगे आना चाहते हैं, तो क्या आपको इंतजार करना चाहिए कि कंपनियां कब शॉर्टलिस्ट करेंगी जमीनों के चयन के लिए, या आपको अगर आपने निर्णय ले लिया है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने अपनी माइंड मेकिंग कर ली है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि कंपनियां जब चयन के लिए आपके जिले में आए तो आपकी जमीन का चयन हो सके? सबसे पहली बात यह है कि आपका जो लैंड यूज है वो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए। आपको अपनी लैंड का डायवर्शन पहले से कराकर रखना चाहिए। आपका लेआउट प्लान जो है वो TNC या नगर पालिका या ग्राम पंचायत के NOC लेकर के वहां से अप्रूव्ड होना चाहिए, और आपकी जो ड्राइंग है किसी प्रोफेशनल इंजीनियर से आप पहले से बना करके रखिए, जिससे कि कंपनियां जब शॉर्टलिस्ट करने के लिए आएंगी तो आप बिना समय गवाए आप उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं। कंपनियों की जो ऑपरेशनल टीम है वो ये देखती है कि आपकी जो ड्राइंग है उसमें उनकी रेक आ सकती है कि नहीं आ सकती, कंपनियों की गाड़ियां जो हैं वहां प्रॉपर तरीके से पहुंच सकती हैं नहीं पहुंच सकती। इन बातों के ऊपर हम कंपनियों के कुछ ऑफिशियल्स से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ इंजीनियर्स की टीम हमारी इस दिशा में, कुछ प्रोफेशनल की टीम हमारी इस दिशा में काम कर रही है। आपका वेयर हाउस इस तरीके का होना चाहिए, आपकी ड्राइंग इस तरीके की होना चाहिए कि आपके वेयर हाउस के चारों तरफ एक पार्किंग एरिया होना चाहिए, एक खाली जगह होना चाहिए। कितनी होना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल्ड में गाइडलाइंस देंगे, जो हमारी हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो टीम मैनेजर्स, टीम मेंबर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, तो अगर आपका बिल्ट टू सूट वेयर हाउस या आपके वेयर हाउस के लिए कंपनी आपका चयन कर लेती है, तो आपके साथ एक वो LOI
साइन करती है, लेटर ऑफ इंटेंट जिसे कहते हैं, इसे लेकर के आप बैंक के पास जा सकते हैं। बैंक आपसे कहती है, बैंक के पास ये एश्योरेंस हो जाता है इस LOI के माध्यम से कि आप कम से कम 5 या 10 साल या 15 साल तक ये आपकी जो लैंड है, जो आप वेयर हाउस बनाने वाले हैं, वो इस कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होने वाला है, जो लेटर आपको कंपनी ने दिया है, और उसमें आपका इतना इतना किराया हो सकता है, जिससे बैंक को ये एश्योरेंस हो जाता है कि हमें हमारी जो EMI है हमें बिना रुके मिल जाएगी, क्योंकि ये कन्फर्मेशन ऑफ एक प्रकार का कन्फर्मेशन है कि इतनी आमदनी आपको उस कंपनी से प्रतिमाह होना है। और जब आप वो लेटर लेकर के बैंक के पास जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवाना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का बनता है, तो आपके पास कम से कम 20-25% मार्जिन आपके पास खुद का होना चाहिए। कई लोगों को मुझे फोन आते हैं, साहब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस सेटअप लगाने जा रहे हैं और आपके पास 10 लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस बारे में मत सोचिए। आप कम से कम, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में जाना है 1 करोड़ के, तो 25 लाख रुपए आपके पास हार्ड कैश होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आपकी प्रायोरिटी है कि आपको उस बिजनेस में जाना है, तो आपको वो अरेंज करना पड़ेगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप सेल कर सकते हैं, जो आपके काम की नहीं है, उसे आप सेल करके अपने बिजनेस में पैसा लगाइए। और जब आप बैंक को ये कन्विंस करने में आप सफल हो जाते हैं कि हमारे पास मार्जिन मनी अवेलेबल है, तो बैंक आपको 75-80% लोन दे सकता है। इस संबंध में बैंक की कई कंडीशंस हो सकती है। वो आपसे मॉर्गेज के लिए, कोलेटरल के लिए आपसे प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकते हैं, या आप उनको ये बोल सकते हैं कि CGTMS की स्कीम में गवर्नमेंट गारंटी 2 करोड़ तक जो लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 करोड़ की गारंटी लेती है, उसमें आपको प्रति वर्ष कुछ परसेंटेज फीस भरना पड़ता है लोन की। वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिससे कि बैंक CGTMS संस्था जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसे आवेदन कर सकती है और वहां से अप्रूवल लेकर के आपको बिना किसी कोलेटरल के लोन दे सकती है। और अगर आप अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन करा करके MSME में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो बैंक की बाध्यता होती है कि वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे विदाउट कोलेटरल भी आपको सैंक्शन करे। आपको इस संबंध में अपने अधिकार मालूम होना चाहिए। तो आपको लेआउट बनाना पड़ेगा, चारों ओर आपकी जमीन कितनी खाली होना चाहिए, आपके कॉलम्स आपको कैसे डिजाइन करना है, 2 पिलर्स के बीच में कितनी जगह होना चाहिए, और फंड बैंक से किस तरीके से आप लेके आएंगे। ये सब प्लानिंग अगर आप पहले से कर लेते हैं, पहले से सोचते हैं, तभी आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको लॉजिस्टिक वेयरहाउस के माध्यम से कंपनियों से संपर्क करके उनके साथ टाई अप करना है, 3PL कंपनीज के साथ में टाई अप करना है, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। इस प्लानिंग में आपको बैंक की प्लानिंग, डिजाइन, आपकी डायवर्शन, आपकी जमीन का डायवर्शन, बैंक से बात, और इसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का ऑपरेशंस, कंपनी अपने कार्यों को करने के लिए क्या स्मूथनेस चाहती है, कंपनी अपने काम स्मूथनेस करने के लिए क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। इस संबंध में हम जरूर आपके सामने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशंस लाएंगे जो आपको आने वाले समय में पुनः मदद करेगी। धन्यवाद। आप इस चैनल को देखते रहिए, और लॉजिस्टिक वेयरहाउस में हम बहुत सारी जानकारी आगे आने वाले 5 से 10 वीडियोज में देंगे। साथ ही साथ जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लॉजिस्टिक पार्क बना सकते हैं, वेल्सपन और इंडोस्पोज जैसी कंपनियां कौन कौन सी ऐसी हैं, वो किस तरीके से आपके लिए मदद करती हैं, इसके बारे में भी हमारी इन कंपनियों से बात चल रही है। मुझे 2-3 दिन पहले ही देहरादून से एक फोन आया किसी एक एंटरप्रेनर का, उसके पास 15,000 स्क्वायर फिट जमीन मेन शहर के बीच में है। तो आने वाले समय में इस तरीके से कौन कौन सी आपकी लैंड है जो अभी आपके यूज नहीं आ रही है, और इस देश में कोरोना के बाद आने वाले 3 से 5 साल 10 साल में किस तरीके से ऊंट किस करवट बैठेगा, व्यापार किस दिशा में जाएगा इस देश का,
छोटा व्यापारी क्या करेगा, बड़ा व्यापारी क्या करेगा, कंपनियां किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होंगी, इन सब के ऊपर हम आपस में इनको इंटरलिंक्ड करके आपके लिए कुछ ना कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जरूर लाएंगे, लाते रहेंगे। देखते रहिए, यस आई कैन, यू कैन। थैंक यू।